देख सकते हैं मेदू का पैसेंजर अभी उठ गया है, पेजु में काफ़ी खाली था, अभी काफ़ी बढ़ गया मेदू पोस्ट ही, और सभी जा रहे हैं कथान और मेदू के आगे सब जाने वाले हैं। में तो काफ़ी चार पाँच लोग ही थे, अभी सो गाइस देख सकते हैं कद्दू मेदू में बहुत सारा कद्दू का वो सोर्स होता है, बहुत सारे कद्दू यहाँ से ले बाहर जाते हैं तिनसुकिया वगैरह, देख सकते हैं काफ़ी सारा बिजनेस होता है कद्दू का। सबसे ज़्यादा कद्दू मेदू में उगाया जाता है तेजू के अंदर, और आप देख सकते हैं ट्रक गाड़ी में लोड हो रहा है बाहर जाने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा हाथी और हाथी का बच्चा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। वाकरो कर चुके हैं हम लोग भी, और यहाँ पर जैसे एक बहन को ही जानता हूँ बस यहाँ पर, तो उसको कॉल करते हैं बाद वाकरो घुमाते हैं आपको। सो गाइस अभी आ रहा है एक बहन लेने के लिए, जो कि हमारे यहाँ लोकल गाइड हमको घुमाने वाले हैं, यहाँ पर बहन घुमाएंगे अच्छे से, और देख सकते हैं दिखा देंगे हम आप लोगों इधर, वो आ रहा है लेने के लिए, और वो जो छत्ती वाला है दोस्त है और साइड वाला एक बहन है, अभी वाकर घूमते हैं बहन के साथ, बने रहिए ब्लॉग पे। सो गाइस बहन थोड़ा शॉपिंग करने गया है, तक मुझे यहाँ ही रुकने को कहा है, तो यहाँ रुकते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में घूमते हैं अच्छे से वाकरो। ये है वाकरो रोड और यहाँ का लोकल बहन जो वीडियो मत करो बोल रहे मेरा, तो बस इधर ही दिखाएगा रास्ता रास्ता। यहाँ काफ़ी अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर, और यहाँ पानी टंकी है बोलते हैं, एक तो दुकान वाला को पूछा था हम, पानी टंकी है ना यहाँ पे, तो पानी टंकी के वहाँ में जाएंगे, और यहाँ पर बेन सेंट फूड खाएगा आप लोग, और ले लो आ गया ना, यहाँ पर छोटा सा बहन लोग